अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने चोट आई। अभी तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। भगवान जाने सच कौन। अगर दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई, बहुत दुखी हो गई, व्हील चेयर में बैठी है, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है, 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब दूंगा। दीदी जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के पति नहीं, किसी के बाप नहीं, और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाए। अगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द। मित्रों बंगाल की रेवेन्यू कोयला चोरी हो रही, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? चोर चमोर रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले मानते हैं क्या? तो मित्रों जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं। मित्रों एक जमाने में बंगाल, एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को अन्य राज्यों की तरह विकसित घरों में रहने का मौका देंगे, मौका देंगे। मित्रों ये भूमि जो है, आज जिस महान भूमि पर मैं आया हूं वो भूमि बिरसा मुंडा की भूमि, स्वतंत्र सेनानी चुनाराम और गोविंद महतो की भूमि, संथाली कवि शारदा प्रसाद किस्कू की भूमि और अतुल चंद्र घोष हमारे स्वतंत्र सेनानी की भूमि, महान संथाली लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की भूमि है। और इस भूमि पर आज हमने तय करना है कि जो सरकार तुष्टिकरण करती है वो सरकार नहीं है। मित्रों बंगाल के अंदर ममता जी के शासन में दुर्गा पूजा करनी है, मूर्ति का विसर्जन करना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। माताओं बताओ ये ठीक है क्या? बहने बताइए ठीक है क्या? इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और बदलने का काम आप ही कर सकते हैं। मित्रों आदिवासियों के वन भूमि पर अधिकार जो है वो मोदी जी देना चाहते हैं, टीएमसी के गुंडे इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे। मित्रों संथालों ने भूमि और वन अधिकारों के कार्यान्वयन की लंबे समय से मांग की है, मगर उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको वादा करता हूं आप कमल निशान की सरकार बना दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दीजिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून सरकारी अफसर आपके घर पर आकर इसका फायदा आपको होगा। आपके घर पर किसी को पैसा नहीं देंगे। मित्रों यहां पर जंगल उत्पाद के लिए कोई व्यवस्था, मोदी जी ने 49 से ज्यादा जंगल उत्पादों को निश्चित दाम से एमएसपी के माध्यम
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो उनचास जंगल उत्पादों को आदिवासी माताओं के पास से, आदिवासी भाइयों के पास से एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था करेगी, जो आपके घर में संपत्ति और धन होगा। मित्रों, यहाँ पर बांकुड़ा में लंबी द्वारकेश्वर और गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना, अगर वो बांध बन जाता है, सिंचाई परियोजना बन जाती है, नहरें बन जाती है, तो 39,000 हेक्टर तक पानी पहुंचता है। पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए बताओ भाई, जरा बोलो पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। मित्रों, हमने तय किया है जितनी भी लागत आए ये 39,000 हेक्टर को तो